अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टेंशन पोस्ट मशीन की कौन सी ठीक होती है और कौन सी नहीं ठीक होती। ठीक है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये जो टेंशन पोस्ट है ये बहुत ज़्यादा हल्की है, ठीक है, लो क्वालिटी की है। ये देखें, ये हिल रही है। आप इसको जैसे भी टाइट कर लें, देखें मैं कितने ज़ोर से टाइट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये हिलती रहती है, तो आपकी मशीन की स्टिच कभी भी इससे ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी दाना देगी। उसके बाद ये क्वालिटी आती है, इसका थोड़ा नट बड़ा होता है, ये उससे अच्छी होती है, लेकिन ये भी हिलती रहती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप ना ये भी ना लगाएं। ठीक है, और उसके बाद आप देखें ये जो है ये उससे बेहतर है, ये लगा लें आप। ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी की लग रही है, इसका छोटा नट लगा होता है प्लास्टिक का। ठीक है, तो अगर आपने चाहते हैं कि आपकी जो मतलब मशीन बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई भी किसी भी किस्म का मसला ना हो, तो ये DTS की 5A क्वालिटी की टेंशन पोस्ट है। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको, कि इसकी फिनिशिंग चेक करें तो पता चल जाएगा आपको कि कैसी चीज़ है। ये देखें, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसके ऊपर भी DTS लिखा होता है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है, इसे टाइट भी नहीं करना पड़ता, अगर एक बार मशीन को लगा लेते हैं तो समझ लें कि आपका काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब। और आपको किसी चीज़ की भी कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप मुझसे राबता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।